हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्विंस बेबी में ज्यादातर ऐसा होता है कि जब बेबी होते हैं उस समय एक बेबी का जो है वेट बिल्कुल ठीक रहता है, दिखने में भी बेबी ठीक होता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो बहुत ही ज्यादा दुबला पतला और बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। तो ट्विंस बेबी में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कि दोनों बेबी एकदम बराबर वेट के हों और एकदम एक जैसे दिखते हों। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ इसमें टिप्स दूंगी जिनको आप फॉलो करिए और आपका बेबी भी बहुत जल्दी हेल्दी और अच्छा हो जाएगा। और ये सारी बातें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी, क्योंकि मेरे भी ट्विंस बेबी हैं। जब वो हुए थे तो उनमें से एक बेबी बहुत ही ज्यादा कमजोर और दुबला पतला था और एक बिल्कुल ठीक था। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन ये है कि आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। यहाँ पे जो है आपको एक सवाल बहुत परेशान करेगा, जब आप स्पेशली ट्विंस मॉम बनती हैं वो भी पहली बार में, आपसे बोला जाएगा कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बच्चों को ऊपर का दूध भी देना स्टार्ट करें क्योंकि बच्चों का पेट नहीं भरेगा। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड पे दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप उसको एक बार जरूर देखें। आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही मैं कराऊं तो इससे बेबी का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। जो कमजोर बेबी होते हैं उनको बहुत ज्यादा ही भूख लगती है, तो जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए तो बेबी जो है काफी देर तक ब्रेस्ट फीड करेगा और आप ये चीज नोटिस करेंगे कि एक बेबी का पेट बहुत जल्दी भर जाता है और दूसरा वाला जो होगा काफी देर तक दूध पीता रहेगा। तो आप उसको बिल्कुल भी हटाए ना, वो जितनी देर फीड ले आप उसको आराम से कराइए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि बस आपने थोड़ा सा उसको पिला दिया और उसके बाद में आप हटा दें। तो देखिए, आप ये पता कैसे करें कि बेबी का पेट भर गया या नहीं भर गया, तो आप जो है उसको पिलाते रहिए। जब आप उसको हटाएंगे ना, अगर उसका पेट भर जाएगा तो बेबी जो है बिल्कुल भी रोएगा नहीं और वो आराम से हट जाएगा। और अगर आप बीच में हटाते हैं और बेबी का पेट नहीं भरता है तो वो जरूर रोएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो कमजोर बेबी होते हैं वो बहुत ज्यादा ही सोते हैं स्टार्टिंग से लेकर के कम से कम 3-4 महीने तक। तो आप उनको बिल्कुल रिलैक्स होकर सोने दें, आप उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। जब आपका खिलाने का मन करे तो आप उसको जबरदस्ती जगा रहे हैं, आप जबरदस्ती उसको उठा रहे होती, तो आप उसको बिल्कुल भी परेशान ना करें। कमजोर बेबी जितना रिलैक्स करेगा उसकी जो है बॉडी उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगी। आप उसको जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उठाएं और आप बाकी अदर टाइम पे अगर वो सो रहा है तो आप उसको बिल्कुल कंफर्टेबल होके सोने दें, क्योंकि जो कमजोर बेबी होते हैं उनको स्टार्टिंग में ज्यादा गोदी नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे की हंसली वगैरह हटने का बहुत डर रहता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बच्चे को जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप बेबी को बिल्कुल भी बीमार ना होने दें। इसके लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रेस्ट फीड देना है। बेबी का आपको स्पेशली ख्याल रखना है, उसके आसपास आपको सफाई रखनी है। वो बेबी को जब भी खिलाने के लिए बैठे या आप उसको उठाएं तो आप हमेशा उसको हाथ धो के ही छुएं, और कोई भी उसको टच करे तो आप हमेशा उससे बोलें कि पहले अपने हाथ धोएं उसके बाद ही बच्चे को खिलाएं, और आप अपने हमेशा नाखून काट के रखें। अगर आप जो है गंदे, आपके नाखून बड़े बड़े होते हैं और गंदे हाथों से अगर आप बच्चे को छूती हैं तो इससे जो गंदगी होती है वो बच्चे के पास बहुत जल्दी आसानी से पहुंच जाती है। बच्चे को कोई भी बिल्कुल भी ऊपर की चीज खाने के लिए ना दें लगभग 6 महीने तक। उसको ऊपर का एक बूंद भी पानी भी ना दें, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो स्पेशली बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप 6 महीने तक बच्चे को पानी दें। इसका रीजन ये होता है कि जो माँ के दूध में पानी की मात्रा जो है बहुत ही अच्छी खासी मात्रा होती है, इससे जो है बच्चे को पानी और सारे पोषक तत्व आराम से मिलते रहते हैं। आप बच्चे की जो है प्रॉपर मालिश करें, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एक बार उसकी सुबह कर दें, एक बार शाम को कर दें, और अगर नहीं मिल पाता है तो आप कोशिश करें कि दिन में एक बार उसकी मालिश जरूर करें, क्योंकि मालिश करने से भी बच्चे ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलती है। इससे बच्चे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चे का माइंड डेवलपमेंट, बच्चे की जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, बच्चे को काफी रिलैक्स फील होता है और बच्चा जो है ज्यादा रोता भी नहीं है, ज्यादा परेशान भी नहीं करता है। तो आप उसको मालिश जरूर दें, और आप शुरुआत में उसको बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत ही ज्यादा आराम से मालिश दें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दें। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा पोटी करते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है कि बच्चे की जो पेट की गंदगी होती है वो निकल रही होती है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही बेबी जो है 2.5-3 महीने से ऊपर का होने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो जो कमजोर बेबी होता है वो कम से कम 3-4 दिन बाद पोटी करता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, और यही बेबी के लिए काफी अच्छा रहता है। इसका रीजन ये होता है कि बेबी को जब हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो माँ के दूध में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं तो बेबी उनको आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है,
और वो है सूसू वगैरह प्रॉपर करता रहता है तो उसके थ्रू आराम से दूध वगैरह पीता है तो वो निकल जाता है। बच्चे को जो है ऐसा ना करें कि आप पोटी करवाने के लिए कोई दवा पिला रही है या फिर कोई सीरप दे रही है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 0 से 6 मंथ का जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खाने में क्या खा रही है, आप क्या नहीं खा रही है, तो आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपनी डाइट में शुरुआत के 6 महीने तक कोई भी बादी चीज नहीं लेनी है, तली चीजें बहुत कम खानी है, कोई भी बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी है, मतलब आपको जो भी खाना है बिल्कुल हेल्दी और अच्छा खाना है। आपको ऐसी डाइट लेनी है जिससे बेबी आसानी से डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा खाती है तो इससे बेबी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। शुरुआत में उसकी जो पाचन क्रिया होती है वो अच्छे से विकसित नहीं होती है, उसको लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है धीरे धीरे ग्रो करने में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप अपनी प्रॉपर डाइट रखती है तो इससे आप भी फिट रहेंगी और बच्चे को भी जो है कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप हमेशा डाइट में ऐसा लें जिससे कि बेबी बिल्कुल भी बीमार ना पड़े, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों को जरा सा खांसी जुकाम भी हो जाता है ना तो बच्चों का तुरंत ही वेट गिरने लगता है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपका बेबी जो है सर्दियों में हुआ है तो आप सिर्फ बेबी की सर्दी ना बचाएं बल्कि उसकी सर्दी के साथ साथ आप अपनी सर्दी भी बहुत ज्यादा बचाएं। आप बिल्कुल भी ठंडे पानी से काम ना करें, पूरी सर्दियां आप जब भी कोई भी काम करें गर्म पानी से करें, आप हमेशा देर तक पानी में काम ना करें, क्योंकि जितनी देर आप पानी में हाथ भिगो के बैठेंगी और उससे क्या होगा कि बेबी को तुरंत ही सर्दी लगेगी। जब आप पानी में काम कर रही हैं स्पेशली सर्दियों में, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कोई भी काम कर रही हैं और आप तुरंत उठी और बेबी को आपने तुरंत ही फीड करा दिया। इससे क्या होगा कि आप जो पानी में काम कर रही थी वो जो सर्दी थी वो आप अगर आप तुरंत ही बेबी को फीड कराती हैं तो वो सर्दी जो होती है बेबी के अंदर तुरंत ही चली जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समय पे आपको जो है हरीरा बना के रखना है। आपको बेबी को फीड कराने से पहले चाय जरूर लेनी है, वो भी अदरक वाली, और थोड़ा सा हरीरा खाना है, उसके बाद ही आप जो है बेबी को फीड कराएं। इससे क्या होगा बेबी को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। और अगर आपका बेबी गर्मियों में हुआ है तो आपको अपनी गर्मी भी बचानी है, आपको बेबी की भी गर्मी बचानी है, क्योंकि गर्मी में बाबू को जो है डायरिया होने का बहुत ही खतरा रहता है। तो आपको बेबी को जो है एक ऐसे वातावरण में रखना है जिस जो कि बेबी झेल सके, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा वातावरण देना है बेबी को, ना ही बहुत ज्यादा गर्म देना है। आपको बिल्कुल उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, क्योंकि अगर आप बीमार हो गई तो फिर आप बच्चे को फीड कराएंगे तो आपका बच्चा आपसे पहले बीमार हो जाएगा, तो आपको अपना बहुत ही ज्यादा स्पेशली ख्याल रखना है। आप बेबी को जो भी खिलौना दें वो बिल्कुल साफ सुथरा दें, उसके कपड़े प्रॉपर धोते रहें, और वो जो भी बिस्तर पे लेटता है उसको प्रॉपर साफ रखें, क्योंकि बेबी को आप कोई भी चीज दें उसको हमेशा साफ करके दें, क्योंकि बच्चों की आदत होती है तुरंत ही किसी भी चीज को सीधे मुंह में डालना, ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। आपको बच्चे को बिल्कुल भी गाय का दूध, भैंस का दूध, फॉर्मूला मिल्क आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। गाय का दूध और भैंस का दूध इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो डॉक्टर का कहना साफ होता है आप कि गाय का दूध जो होता है वो गाय के बच्चे के लिए होता है, क्योंकि गाय का बच्चा इतना बड़ा होता है और हमारा जो बेबी होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, क्योंकि जो गाय के दूध में जो पोषक तत्व जो भी चीजें पाई जाती है वो गाय का बच्चा आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है, और जो माँ के दूध में जो पोषक तत्व वगैरह जो भी चीजें पाई जाती है वो हमारा बच्चा आसानी से डाइजेस्ट कर पाता है। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, गाय का या भैंस का दूध आप दे रही हैं स्पेशली तो बच्चा जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, बल्कि वो उससे बीमार और रहता है, उसको बहुत ज्यादा लैट्रिंग होने लगती है, उसको पेट में दर्द रहता है, उसके 24 घंटे गैस बनती है, और जिस वजह से बच्चे की जो है प्रॉपर दवा चलानी पड़ती है, तो बच्चा वेट तो गेन नहीं करता है बल्कि वो और ज्यादा दुबला पतला होता जाता है। आप बच्चे को गलती से भी गाय और भैंस का दूध ना पिलाएं, और जब वो प्रॉपर 1 साल के हो जाए उसके बाद ही आप धीरे धीरे गाय का दूध देना उसको स्टार्ट करें। फिर कि जो हमारे बेबी का वेट होता है वो एकदम से गेन नहीं होता है, आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका बेबी 2.5 किलो का हुआ है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब बेबी होता है तो 3 से 4 दिन उसका वेट कम होने लगता है। इसका रीजन ये होता है कि हमारा बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करना सीख रहा होता है, उसको दूध पीना नहीं आता, उसको सकिंग करना नहीं आता, उसको दबाना नहीं आता, स्टार्टिंग में जो है बेबी ये सारी चीजें सीख रहा होता है, तो जिस वजह से उसका पेट नहीं भरता, वो आराम से दूध पी नहीं पाता है, तो इस वजह से उसका थोड़ा सा वेट गिर जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब वो अच्छे से सकिंग करना सीख लेता है, दूध पीना सीख लेता है, तो वो जब प्रॉपर दूध लेने लगता है तो उसका धीरे धीरे वेट गेन करने लगता है। और हमारे जो बेबी होते हैं उनका जो वेट होता है वो 6 महीने में डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका बेबी 2.5 किलो का हुआ है तो आपके ठीक 6 महीने में आपका बेबी 5 किलो का हो जाएगा, और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेबी का कैसे ख्याल रखती हैं, आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं, आप अपनी डाइट में हेल्दी डाइट लेती हैं या नहीं लेती हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपको बेबी को बहुत मोटा करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको उसको हेल्दी और फिट बनाना है, ठीक है। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा बहुत मोटा है, बहुत तगड़ा है, भाई बच्चे हेल्दी होते हैं, बिल्कुल गलत फहमी है। आपको बच्चे को स्ट्रांग बनाना है, आपको बच्चे को बहुत मोटा नहीं बनाना है, ओवरवेट भी बच्चे के लिए हानिकारक होता है। तो बस अगर आप भी ये टिप फॉलो करती है वो भी ईमानदारी से, तो आपका बच्चा भी बिल्कुल हेल्दी और ओके हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।